जब मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह के कलाम का वक्त आया तो आपने गुस्ल किया, बेहतरीन लिबास पहना। रब्बुल आलमीन ने सात सात कोस इर्द गिर्द में अंधेरा कर दिया। उस इलाके से शैतान, जानवर, कीड़े मकोड़े को निकाल दिया गया। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ रहने वाले फरिश्तों को भी आपसे अलग कर दिया। आप पर आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। आपने सब मुलाहिजा फरमाया। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने रब ताला से कलाम फरमाया तो उस वक्त आप ऊनी जुब्बा पहने हुए थे जिसमें बटन की जगह बबूल के काटे थे। कमर पर पटका था, तुर्की एक चट्टान से टेक लगाए हुए थे। अर्श को देखा, लोह पर कलम के चलने की आवाज सुनी, फिर रब से हम कलामी की। इस कलाम के बाद जो मूसा अलैहि सलाम के चेहराए अनवर को देखता था बेहोश हो जाता था। चुनांचे आपने फिर वफात तक अपने चेहरे अकदस को निकाब से छुपाए रखा। एक दिन आपकी बीवी ने अर्ज किया कि मैं आपके दीदार से महरूम हूँ। आपने निकाब उठाया तो आपके चेहरे से सूरज की सी किरणें निकली जिसकी बीबी साहिबा ताब न ला सकी। आंखों पर हाथ रख लिया और बोली, दुआ करे कि मैं जन्नत में भी आपकी बीवी रहूं। फरमाया, अगर इसके आरजू है तो मेरे बाद किसी से निकाह न करना कि औरत अपने आखिरी खाविंद के साथ होगी।